नमस्कार, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं लाइव उत्तर प्रदेश। अगर बात की जाए फिल्म इंडस्ट्री के उन लोगों की जिनका विवादों से गहरा नाता रहता है, तो उस लिस्ट में नाम आता है कमाल राशिद खान उर्फ केआरके का। केआरके एक बॉलीवुड एक्टर होने के साथ साथ फिल्म प्रोड्यूसर और राइटर भी हैं, और अब उनकी पहचान में एक और टाइटल शामिल हो चुका है और वो है फिल्म समीक्षक का, यानी कि केआरके सोशल मीडिया पर बॉलीवुड में रिलीज हुई फिल्मों का रिव्यू अपने ही अंदाज में देते हैं। केआरके ने अपना फिल्म डेब्यू साल 2008 में फिल्म देशद्रोही से किया था, और उसके बाद वो एक छोटे से रोल में फिल्म एक विलन में दिखाई दिए थे। इनके टीवी डेब्यू की बात की जाए तो इन्होंने अपना टीवी डेब्यू बहुचर्चित टीवी के शो बिग बॉस सीजन 3 से किया था। उस शो में इन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी थी। वैसे केआरके की एक खासियत ये भी है कि केआरके सुर्खियां बटोरने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देते। 2014 में बनी मोदी सरकार ने देश में कई फैसले लिए और कई कदम उठाए, लेकिन जो भी कदम केआरके को रास नहीं आए, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल का यूज कर खुलकर अपनी भड़ास निकाली और सरकार का विरोध भी किया। अब एक बार फिर कमाल ने ट्विटर पर केंद्र सरकार को घेरा है। हालांकि इस बार कमाल के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अनुच्छेद 370 और 35A को हटाए जाने पर मोदी सरकार की तारीफ की और कदम को स्वागत योग्य बताया है, और इसी के साथ साथ उन्होंने कश्मीरी लोगों के लिए भी एक मैसेज लिखा है। केआरके ने ट्वीट कर कहा, कश्मीर में जो भी हो रहा है उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि अब 370 हटने के बाद उसे वापस नहीं लिया जाएगा, और अब वो ये विरोध बंद कर दें। उन्हें अब सामान्य खुशहाल जीवन जीना चाहिए। हम भारत के लोग उनसे उनका अधिकार नहीं छीनेंगे। आगे केआरके ने यह भी लिखा कि सरकार ने जो भी गलत किया है मैं हमेशा ही उसका विरोधी रहा हूं, लेकिन अनुच्छेद 370 हटाने के लिए सरकार की मैं निंदा नहीं कर सकता। ये कश्मीरी लोगों के भले के लिए है और पूरा भारत भारतीयों का है। कश्मीरी लोगों के लिए अलग नियम नहीं हो सकते हैं। कश्मीर के भाई बहनों से मेरा एक सीधा सा प्रश्न है कि अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खुश नहीं है, तो आप लोग पाकिस्तान के साथ खुश कैसे रह सकते हो? मेरा विश्वास करिए, आप लोग भारत में रहकर ही खुश रह सकते हैं। अब हिंसा बंद करिए और खुश रहिए। जय हिंद। तो ये थे वो शब्द जो कमाल राशिद खान उर्फ केआरके ने कश्मीरी लोगों के लिए और भारत सरकार के लिए लिखे। ऐसी ही और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव उत्तर प्रदेश।